असम के नागालैंड सीमावर्ती क्षेत्रों में एनएससीएन के और उल्फा आई द्वारा जबरन वसूली के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक गुप्त सूचना के आधार पर मायबला सेना कैंप की तत्परता से गैरकानूनी रूप से हथियारों को का कारखाना था, जो सेना की नज़रों से बच नहीं पाई और एक विशेष अभियान के तहत नागी नमिनमरा में एक गैर कानूनी हथियार बनाने वाले कारखाने का भंडाफोड़ कर दिया गया। इस कारखाने एनएससीएन के और उल्फा आई के उग्रवादियों का अक्सर आना जाना होता था, जहां गैर कानूनी कार्य भी किए जाते थे। इस ऑपरेशन में कारखाने से हथियार जब्त किए गए और एक व्यक्ति टोफो कोनियक 28 वर्षीय नगीना मरव निवासी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। घर की तलाशी में स्वदेशी हथियार, बंदूक, औजार, उपकरण, बारूद, अन्य अवैध सामग्री पकड़े गए, जिसमें 5 सिंगल बैरल गन, आधा किलोग्राम गन पाउडर, 6 पीस 12 बोरा विस्फोटक व नगद 50,000 रुपये बरामद किया गया है, जिसको सेना ने स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। असम से आसिकुर रहमान की रिपोर्ट।